ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं। बेसिकली ये एक सवाल का जवाब है और ये सवाल पूछा है मिस्टर अनीश वर्मा जी ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अनीश वर्मा जी को और आप सभी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे हर वीडियोज में अपने कमेंट्स जरूर देते रहें कि वीडियोज आपको कैसी लग रही है, आप क्या सुधार उसमें चाहते हैं और मुझसे और किस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं। तो मैं अपने बातचीत की शुरुआत करता हूं। आज का सब्जेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग शब्द जब हम सुनते हैं तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। इन दो चीजों से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मार्केटिंग की श्रेणी में आती है। तो अभी तक जो हमने तरीका देखा था मार्केटिंग का, वो ऑफलाइन तरीका था कि दुकानें होती हैं प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इसके अलावा विज्ञापन करने के लिए, प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए टीवी पे विज्ञापन आता है, किसी सीरियल पर विज्ञापन आता है, किसी मूवी में विज्ञापन आता है, किसी न्यूज़पेपर में आपने विज्ञापन देखा होगा। तो ये अभी तक हमारा प्रचलित तरीका है, ये ऑफलाइन मेथड है और ये भी चलता रहेगा। कुछ कारण ऐसे हैं कि जिस वजह से ये तरीका पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे इसका महत्व कम होता जाएगा, धीरे धीरे इसका प्रचार प्रचार कम होता जाएगा, इसमें स्कोप थोड़ा कम होता जाएगा। दूसरी चीज है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग यानी चीजों को डिजिटली बेचने और प्रमोट करने का तरीका। देखिए, आज बहुत सारे लोग चीजों को जाकर खरीदने की बजाय घर पर बैठे बैठे किसी ऐप के जरिए, किसी वेबसाइट के जरिए ऑर्डर दे करके मंगाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से ये चीजें फैल रही हैं और हिंदुस्तान में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जो रोज कम से कम 2 से 3 घंटा या उससे भी ज्यादा समय किसी वेबसाइट पर, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या कुछ सर्च करते हुए इंटरनेट के ऊपर बिताते हैं। तो इतने बड़ी मास को अट्रैक्ट करने की जरूरत हर बड़ी कंपनी को समझ में आई और लगभग हर कंपनी ने अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाकर खड़ा कर लिया है और धीरे धीरे ये चीजें और बढ़ेंगी। डिजिटल मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो होगा, इसका टर्नओवर बहुत तेजी से ग्रो होगा और एक व्यक्ति के लिए भी, एक आम आदमी के लिए भी, आपके लिए भी इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप किसी वेबसाइट के जरिए कोई प्रोडक्ट खरीद कर बेच सकते हैं, किसी ऐप के जरिए कोई प्रोडक्ट खरीद कर बेच सकते हैं, या आप किसी वेबसाइट में बिकने वाले प्रोडक्ट का लिंक अपने किसी सोशल मीडिया साइट पर, अपने किसी YouTube चैनल पर दे करके, किसी आप ब्लॉग के जरिए कोई ब्लॉग आप लिखते हैं और आपका ब्लॉग अगर बहुत फेमस हो गया तो आपके ब्लॉग्स पर कुछ कंपनियां ऐड देने के लिए इच्छुक हो जाती हैं और वहां उस ऐड के जरिए आपको पर क्लिक पर पैसा आता है, कुछ कंपनियां पर क्लिक पर पैसा देती है, कुछ कंपनियां इस बात पर पैसा देती है कि आपके साइट पर जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है उस पर क्लिक करके कितने लोग कंपनी के प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, कंपनी के वेबसाइट पे पहुंचे और वहां से उन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया, तो वो उस पर आपको कुछ रेवेन्यू या कुछ कमीशन देती है। तो अलग अलग मॉडल्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग का तरीका है कि आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट को सेल आउट करके या फिर किसी बिक रहे प्रोडक्ट को, उसमें आपको प्रोडक्ट का स्टॉक रखने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट बिक रहा है किसी साइट पर तो उसका लिंक शेयर करके आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट सेल करने में कंपनी की मदद कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो ये तो डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लोग फेसबुक पर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, लोग व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं और लगभग आज हर सोशल मीडिया साइट्स ने अपने प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करने का एक प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया है। आप वहां से प्रोडक्ट बेच सकते हैं, फेसबुक में भी एक अलग से मार्केट आता है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट लिस्टेड कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी ये सुविधा है, लगभग सभी साइट्स में, सभी सोशल मीडिया साइट्स पे आपको ये सुविधाएं मिलने लगी हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक प्रकार है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें एक आम व्यक्ति भी बहुत अच्छे से प्रोडक्ट बेच सकता है, सर्विसेज बेच सकता है, या प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, किसी भी कंपनी को प्रमोट कर सकता है, पैसा कमा सकता है। अगर आपके फॉलोअर्स हैं, अगर आप देखिए इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई कंपनीज को, कंपनीज किसी भी एक हीरो या हीरोइन को विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया
दे रही थी आज तक, और उसे लगा कि जिन हीरो या हीरोइंस को वो पैसा दे रही, इतना पैसा दे रही है, वो लोग अपने पब्लिक से, अपने फॉलोअर से वो इतना डीपली कनेक्टेड शायद नहीं है, उनसे उनका कन्वर्सेशन नहीं हो पाता, मगर फिर भी चूंकि उनके होने का या किसी प्रोडक्ट को हाथ में ले लेने से बहुत से लोगों के दिमाग में असर पड़ता है, जिस वजह से उनको वो करोड़ों अरबों रुपया दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके और हमारे जैसे लोग, जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, और उसके जरिए भले आपकी आपकी जो अभी पब्लिक है आपके पास है वो कम है, आपके व्यूअर्स कम हो ज्यादा हो, आपके साथ लोग कनेक्टेड कम हो ज्यादा हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, लेकिन आपका उनके साथ ज्यादा क्लोज रिलेशन है, आपका कन्वर्सेशन उनसे हो पाता है, बातचीत उनसे हो पाती है, तो एक हीरो या हीरोइन को बहुत सारा पैसा देने के बजाय कंपनीज ने सोचा कि इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पर उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें और बार बार लोगों के आंखों के सामने वो कंपनी के प्रोडक्ट्स आ सकें, और इतना पैसा जो हीरो या हीरोइंस को दे रहे उतना देने की जरूरत नहीं है, जिसके जितने फॉलोअर्स हैं उसके हिसाब से उनको वो पैसा दिया जा सकता है। तो ये मेथड पॉपुलर हो रहा है और बहुत आगे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। अब तीसरा हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का एक अलग तरीका है, जहां पर कंपनी से और कस्टमर के बीच से जितने भी लोग थे जिनके हाथों से प्रोडक्ट गुजर कर आता था, उन कड़ियों को कम करने का प्रयास किया जाता है, कम से कम हो जाती है वो कड़ियां, तो प्रोडक्ट कस्टमर के पास बहुत कम चरणों से गुजर कर आता है, और जो बीच का पैसा बचता है वो डिस्काउंट के रूप में, बेनिफिट के रूप में, कमीशन के रूप में कस्टमर को ही वापस कर दिया जाता है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में एक कस्टमर को ही बिजनेस करने का अधिकार दे दिया जाता है, राइट्स दे दिए जाते हैं कि कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वो बिजनेस कर सकता है। आप यूं मान सकते हैं कि एक कस्टमर को पार्टनर बना लिया जाता है अपने बिजनेस में। तो ये बेनिफिट्स आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते हैं वो ऑफलाइन मार्केटिंग के भी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप रिलेशंस के आधार पर प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। देखिए, कितना भी हम डिजिटल आ जाएं, लेकिन कई जगहों पे रिलेशंस का जो इंपॉर्टेंस है, जो फेस टू फेस मिलने का जो इंपॉर्टेंस है, कुछ लोगों को वो जो रिलेशन के ऊपर सामान खरीदने का जो जो मजा उनको आता है, वो चीजें कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। लोगों को अच्छा लगता है कि वो अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ प्रोडक्ट खरीदें, लोगों को अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट को हाथ में लेकर, देखकर, छूकर फिर प्रोडक्ट खरीदें, लोगों को अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति उनको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे और उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिससे कि ऑफलाइन मार्केट पूरी तरह से खत्म कभी नहीं होगा। हाँ, कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म कभी नहीं होगा। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफलाइन मार्केट का प्रोडक्ट, ऑफलाइन मार्केटिंग के जरिए भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरा, आप नेटवर्क मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग के जरिए भी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटली भी आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा, सोशल मीडिया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेटवर्क बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, नए नए लोगों से दोस्ती बना सकते हैं। तो ये तीनों बेनिफिट्स, यानी ऑफलाइन की भी बेनिफिट्स, डिजिटल मार्केटिंग के भी बेनिफिट्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी बेनिफिट्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाते हैं। तो आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि इन तीनों इंडस्ट्री में से, इन तीनों प्लेटफॉर्म में से सबसे ज्यादा कौन सा ग्रो करेगा, या आप मुझसे यूं पूछे कि आम व्यक्ति के लिए इन तीनों प्लेटफॉर्म में से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा रहेगा, तो नो डाउट मैं एक ही नाम आपके सामने लूंगा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मैंने बताया कि तीनों के फायदे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक और बहुत बड़ा फायदा है जो फायदा आपको कहीं और नहीं मिल सकता, और वो है अपना नेटवर्क बनाने का मौका। यानी आप अपने जैसे और कई लोगों को जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो घर से बैठ करके कुछ काम करना चाहते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, तो उन लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो लोग भी आपकी तरह ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी आप इन तीनों तरीके से मार्केटिंग करने वाले लोगों का एक नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल यूनिक बना देता है। बाकी सभी मार्केटिंग में अच्छा पैसा आ सकता है, मगर जब तक आप काम करेंगे तभी तक आ सकता है, और जितना आप कर पाएंगे उसके हिसाब से आ सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में
आप अपना नेटवर्क अगर एक बार बहुत बड़े लेवल पर लेके चले जाते हैं तो आपका नेटवर्क, आपके लोग सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। कल हम किसी वजह से काम नहीं भी कर पाते हैं, कल हम इस दुनिया में नहीं रहते तो भी हमारा पैसा आना बंद नहीं होता, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना चुके होते हैं। तो नो डाउट सबसे ज्यादा पावरफुल है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज से ही अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं ली है तो आज ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा जानकारी लीजिए। ये बहुत बड़ा करियर है, एक स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई करते हुए ये बिजनेस करने का मौका दे सकता है। घंटा दो घंटा आप समय लगा करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक हाउसवाइफ इसके जरिए अच्छा पैसा कमा सकती है। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यदि आप लोगों से दोस्ती बनाकर, लोगों से मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यदि आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। शुरू में ये पार्ट टाइम में शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी फुल टाइम की इनकम से ज्यादा इनकम आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आने लगती है। तो उम्मीद है कि आज के इस पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के कुछ क्वेरीज को हल किया होगा, कुछ आपके मन में जो उत्सुकता थी उसका जवाब मैंने दिया होगा। मैं इस सब्जेक्ट पर और भी वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं इसके बहुत डीप में भी आपको लेकर के जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन का ये चैनल है। आपको पैसा किस तरीके से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कम से कम समय लगाकर, वो सिखाने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी आगे बढ़े, मेरी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। God bless you. Namaskar.